नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की भाषा भारती, और यह जो पुस्तक है नई वाली पुस्तक, वर्ष 2024-25 की नई पुस्तक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पाठ 6 भक्ति के पद, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका ए विकल्प सही रहेगा, 13 और 11। दूसरा प्रश्न है, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो दोहा का विपरीत छंद जो होता है वह सोरठा होता है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे प्रश्न क्रमांक तीसरा है, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन से हैं। तो श्री राम की भक्ति करने वाले मुख्य कवि हैं तुलसीदास जी। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक चौथा, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो कमल का हमें पर्यायवाची बताना, तो डी विकल्प में जो पंकज लिखा है यह कमल का पर्यायवाची है। डी विकल्प इसका सही होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक पाँचवा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है आपका सी विकल्प में है, वाल्मीकि, यह शुद्ध शब्द है। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न यहाँ शब्द दिए हैं और इन शब्दों की सहायता से हमें इन प्रश्नों में खाली स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक छठवा है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को खालिस्तान के समान बताया है। तो सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। खालिस्तान में लिखेंगे हम कामधेनु। आगे सातवां प्रश्न, मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। तो मीरा जो थी श्री कृष्ण की परम भक्त थी, खालिस्तान में श्री कृष्ण लिखाएंगे। आगे आठवां प्रश्न, रामचरित मानस की रचना खालिस्तान ने की थी। रामचरित मानस की जो रचना है वह तुलसीदास जी ने की थी। नौवां प्रश्न, भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि खालिस्तान जन्मांध थे। तो भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जो हैं वो जन्म से अंधे थे, खालिस्तान में लिखेंगे हम सूरदास। दसवां प्रश्न है, प्यासों का मानक रूप खालिस्तान है। तो प्यासों का मानक रूप होगा प्यासा, खालिस्तान में लिखेंगे हम प्यासा। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11वां है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है, भगवान श्री राम को कहा गया है अधम का उद्धारक। 12वां प्रश्न है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो घन का अर्थ होता है बादल। प्रश्न क्रमांक 13वां है, गिरधर नागर किसे कहा गया है। इसका उत्तर होगा, भगवान श्री कृष्ण को गिरधर नागर कहा गया है। आगे 14वां प्रश्न है, मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। फूलई फलई न बेंत जतपि सुधा वर्षई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचिसम। इसमें सोरठा छंद है, इसका उत्तर होगा सोरठा छंद। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। रैदास जी की भक्ति जो है वो दास भाव की है। उदाहरण है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। 16वां प्रश्न है, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। इसका उत्तर होगा, हम मन की तुलना हवाई जहाज से करना चाहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज कितना ही देर तक आसमान में उड़ता रहे परंतु उसको वापस धरती पर आना पड़ेगा। 17वां प्रश्न है, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। इसका उत्तर है, श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। आगे 18वां प्रश्न है, खर्चे ही नहीं कोई चोर ना ले वे दिन दिन बढ़त सवाय पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखी। पंक्ति का भावार्थ है, मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना घटता है और ना ही चोर उसे चुरा सकता है, वरन यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां है, रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वह इस आदत को क्यों नहीं छुड़ा पा रही है। इसका उत्तर है, रैदास जी को राम के नाम की रट लगी है। उनका यह वर्णन उनकी गहरी भक्ति और राम के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। रैदास जी ने राम के नाम की भक्ति को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना मानते हुए उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। यह आदत उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि यह उनके जीवन का
अभिन्न हिस्सा बन गई थी। 20वां प्रश्न है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखी। इसका उत्तर है, भक्ति काल के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी आदि। सूरदास जी का यहाँ हमने 5 वाक्यों में वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। दूसरी लाइन है सूरदास के बारे में, उन्होंने श्रृंगार एवं शांत रस का भी वर्णन किया है। तीसरी लाइन है, उनका जन्म रुनकता गांव में हुआ। चौथी लाइन, सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और 5वीं लाइन है, उन्होंने सूर सागर की रचना की। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 6 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।